मैं आपके लिए बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के सोशियोलॉजी के क्वेश्चन लेके आया हूँ, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है आपका, भारत भारत में समाजशास्त्र के प्रादुर्भाव और इतिहास का वर्णन कीजिए। ओके, अथवा मैं दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में सामाजिक विचारधारा के उद्भव और विकास पर एक लेख लिखिए। तीसरा क्वेश्चन हमारा, आधुनिक भारत में समाजशास्त्रीय विचारों की उत्पत्ति और विकास को समझाइए। अगर इन तीन क्वेश्चन में से अगर कोई सा भी क्वेश्चन अगर आपका आता है तो आपको आंसर यही लिखना है केवल। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसमें। भारत में समाज के अध्ययन का व्यवस्थित इतिहास आज से लगभग 4000 वर्ष पुराना है। कितना पुराना है बेटा? 4000 वर्ष। वैदिक ग्रंथों, पुराणों, रामायण, महाभारत, मनुस्मृति, अर्थशास्त्र, शुक्र नीति आदि प्राचीन भारतीय ग्रंथों में सामाजिक जीवन का विस्तार से वर्णन किया गया है। भारत का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद है। इसके एक मंत्र में, सॉरी, समाज की कल्पना शरीर के रूप में की गई है। किसमें की गई है बेटा? शरीर के रूप में, जिसमें कहा गया है कि समाज रूपी शरीर का सिर ब्राह्मण है। क्या है? ब्राह्मण है। क्षत्रिय भुजाएं हैं, वैश्य जंघा है और शूद्र शूद्र पैर है। वैदिक काल में सामाजिक जीवन का सूक्ष्म अध्ययन करके व्यापक व्यवस्थाओं का निर्माण कर लिया जा गया है था। इस काल में व्यक्ति के व्यवहारों और सामाजिक संबंधों के रूप का ही निर्धारण नहीं किया गया, वर्ण वर्णाश्रम व्यवस्था, कर्म, पुनर्जन्म, संयुक्त परिवार आदि की व्यापक विवेचना करके समाज को संगठित बनाने में सफलता प्राप्त कर ली गई थी। ओके, भारत में सामाजिक अध्ययन और सामाजिक व्यवस्थाओं के रूपांतरण का इतिहास यहीं समाप्त हो जाता है। ईसा से लगभग 270 वर्ष पूर्व मौर्य काल में आचार्य कौटिल्य ने सामाजिक व्यवस्था में व्यापक परिवर्तन लाने का प्रयत्न किया, जिसका उल्लेख उनके ग्रंथ अर्थशास्त्र में मिलता है। किसमें मिलता है? उनके ग्रंथ अर्थशास्त्र में। मौर्य काल के पश्चात जिस सामाजिक व्यवस्था का निर्माण किया गया वह बड़ विभाजन पर आधारित थी। वह तो व्यवस्था किस पर आधारित थी? सामाजिक व्यवस्था बड़ विभाजन पर। प्रारंभ में बड़ व्यवस्था गुण और कर्म पर आधारित थी, किंतु धीरे धीरे यह जन्म पर आधारित हो गई। यद्यपि इस व्यवस्था के निर्माण में भृगु, याज्ञवल्क्य, पाराशर, नारद जैसे स्मृतिकारों का महत्वपूर्ण योगदान रहा, किंतु इसकी स्थापना मूल रूप से महर्षि मनु द्वारा की गई थी। किनके द्वारा की गई थी? महर्षि मनु द्वारा। मनु द्वारा रचित ग्रंथ मनुस्मृति सामाजिक ज्ञान का विस्तृत भंडार है, जिसमें व्यक्ति और समाज का वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, आश्रम, संस्कार, विवाह, परिवार, राज्य व्यवस्था, न्याय, धर्म आदि का विशद वर्णन किया गया है। प्राचीन भारतीय विचारकों ने समाजशास्त्र का एक पृथक विज्ञान के रूप में विकास नहीं किया था, किंतु दंड नीति, धर्मशास्त्र एवं अर्थशास्त्र विषय ग्रंथों में जिन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है उनका संबंध सामाजिकता से है, और बाद में यही विचार समाजशास्त्र के आधार बने। भारत में आज जिन सिद्धांतों के आधार पर समाजशास्त्र का तेजी से विकास हो रहा है उनका इतिहास अधिक पुराना नहीं है। यूरोप में यद्यपि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ही समाजशास्त्र की नींव पड़ चुकी थी, किंतु
किंतु 20वीं शताब्दी के आरंभ से में से सॉरी अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस आदि देशों ने समाजशास्त्रीय अध्ययनों के द्वारा जितनी तेजी से प्रगति की, वह भारत के लिए भी आकर्षण का विषय था। भारत में 20वीं शताब्दी के आरंभ तक कोई ऐसा विज्ञान विकसित नहीं हो सका था जो वैज्ञानिक आधार पर समाज का अध्ययन कर सकता हो। इस समय तक सभी सामाजिक अध्ययन आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक तथा दार्शनिक आधार पर किए जाते थे। पाश्चात्य देशों में समाजशास्त्र का विकास होने के साथ ही अनेक भारतीय विद्वानों का ध्यान भी समाजशास्त्र की ओर आकर्षित हुआ। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व तक भारत में समाजशास्त्रीय अध्ययन प्रमुखतया इंग्लैंड में प्रतिपादित सैद्धांतिक विचारधारा से प्रभावित रहे, जबकि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में समाजशास्त्र का अध्ययन और अध्यापन अमेरिका की समाजशास्त्रीय परंपरा से प्रभावित होने लगा। भारत में समाजशास्त्र का अध्ययन सबसे पहले बंबई विश्वविद्यालय में सन 1919 में प्रारंभ हुआ। सन 1919 में यहाँ समाजशास्त्र का पृथक विभाग स्थापित किया गया और ब्रिटिश समाजशास्त्री पैट्रिक गिट्स को इसका अध्यक्ष चुना गया। किसको चुना गया? पैट्रिक गिट्स के लिए। उन्होंने सामाजिक जीवन को पर्यावरण से संबंधित करके समाजशास्त्रीय अध्ययनों की शुरुआत की। इसके पश्चात जीएस घुरिए जाति, वर्ग एवं व्यवसाय, के एम कपाड़िया जो विवाह एवं परिवार, इरावती कर्वे नातेदारी व्यवस्था, पी एच प्रभु हिंदू समाज व्यवस्था आदि ने समाजशास्त्र के अध्ययन को आगे बढ़ाया। पैट्रिक गेट्स के पश्चात डॉक्टर घुरिए व डॉक्टर कपाड़िया बम्बई विश्वविद्यालय के समाजशास्त्र विभाग के अध्यक्ष रहे। इसके पश्चात सन 1921 में लखनऊ विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र विभाग के अंतर्गत समाजशास्त्र विषय को मान्यता दी गई और राधा कमल मुखर्जी को समाजशास्त्र का प्रोफेसर नियुक्त किया गया। सन 1928 में मैसूर विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग खोला गया, परंतु यह दर्शन शास्त्र विभाग का अंग था और प्रोफेसर ए आर वाडिया जो दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर थे समाजशास्त्र पढ़ाया करते थे। सन 1962 में यहाँ समाजशास्त्र को एक पृथक विभाग के रूप में मान्यता दी गई। सन 1939 में श्रीमती इरावती कर्वे की अध्यक्षता में पूना विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग की स्थापना की गई। सन 1951 में एमएस विश्वविद्यालय बड़ौदा में डॉक्टर एम एन श्रीनिवास की अध्यक्षता में स्वतंत्र रूप से समाजशास्त्र विभाग का गठन किया गया। सन 1959 में प्रोफेसर आई पी देसाई इस विभाग के अध्यक्ष बने और उन्होंने समाजशास्त्र के विकास में अद्वितीय योगदान दिया। सन 1953 में अन्नामलाई विश्वविद्यालय में डॉक्टर कू एम कर्नीलियस की अध्यक्षता में समाजशास्त्र का विभाग खोला गया, परंतु तब इसका नाम सामाजिक अध्ययनों तथा नागरिक कल्याण विभाग था। सन 1957 में इसका नाम समाजशास्त्र विभाग रखा गया तथा डॉक्टर केवल मोटवानी की अध्यक्षता में अनेक महत्वपूर्ण अध्ययन किए गए। उस्मानिया विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्ययन एक वैकल्पिक प्रश्नपत्र के रूप में सन 1928 में प्रारंभ हुआ, परंतु एक स्वतंत्र विषय के रूप में इसका प्रारंभ सन 1964 में हुआ। प्रोफेसर फ्यूरर हेमन डॉर्फ तथा श्यामाचरण दुबे जैसे विद्वान इस विभाग से संबंध रहे और उन्होंने समाजशास्त्रीय सिद्धांत व सांस्कृतिक मानव शास्त्र के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया।
प्रारंभ में ही इन सभी विश्वविद्यालयों में समाजशास्त्र को एक पृथक विषय के रूप में नहीं रखा गया, बल्कि इसे अर्थशास्त्र, मानव शास्त्र तथा दर्शन, सामाजिक दर्शन के साथ जोड़े में यह जोड़े रखा गया। ओके, यही कारण है कि प्रारंभ में जो विद्वान समाजशास्त्रीय विचारधारा को आगे लेकर बढ़े और जिन्होंने इस विषय को समृद्ध बनाने का प्रयत्न किया, वे मूल रूप से अर्थशास्त्री तथा मानवशास्त्री ही थे। स्वतंत्रता से पहले तक भारत में समाजशास्त्र का ना तो अधिक विस्तार हो सका और ना ही पृथक महत्व को स्वीकार किया जा सका। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात इस विषय की लोकप्रियता तेजी से बढ़ने लगी। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के अतिरिक्त आगरा, काशी विद्यापीठ, वाराणसी, मेरठ, कानपुर, गोरखपुर, अलीगढ़, कुमायूं, गढ़वाल, रोहिलखंड तथा अवध विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र को एक पृथक और महत्वपूर्ण विषय के रूप में प्रतिष्ठित किया गया। मध्य प्रदेश में विक्रम, जीवाजी, इंदौर, सागर, रविशंकर, अवधेश प्रताप सिंह, रायपुर, जबलपुर तथा भोपाल विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग की स्थापना हुई। राजस्थान में उदयपुर, जोधपुर तथा जयपुर विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग स्थापित किए गए। विभाग में मुजफ्फरपुर, रांची और पटना विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विषय का तेजी से विकास हुआ। इसके अतिरिक्त दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक, नागपुर, उस्मानिया, बड़ौदा, पूना, मद्रास जो चेन्नई है वर्तमान में, पंजाब, उत्कल, कुरुक्षेत्र तथा अन्य दूसरे विश्वविद्यालय समाजशास्त्र के अध्ययन केंद्र बन गए। वर्तमान में भारत में शायद ही कोई ऐसा विश्वविद्यालय हो जहाँ समाजशास्त्र का अध्ययन सुचारू रूप से न चलता हो। ओके बेटा, तो यह है आपका लॉन्ग क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोग इसे ज़रा सही से देख लेना। ओके, थैंक यू।